हाय एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना प्लानर कि मैं किस तरह से अपने प्लानर को मेनटेन कर रही हूँ सो टॉकिंग अबाउट द प्लानर कि मैंने कौन सा प्लानर इस बार लिया है मैं कौन सा प्लानर यूज कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं अभी तक एकदम ऐसे सैटिस्फाइड नहीं हुई हूँ किसी भी प्लानर से मुझे कुछ ना कुछ कमी लगती है मतलब मेरे अकॉर्डिंग जैसे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए ये चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए आई डोंट वॉन्ट टू यूज यू नो मल्टीपल प्लानर्स मुझे एक ही प्लानर में सब कुछ चाहिए होता है थोड़ा जर्नलिंग भी होना चाहिए हो उसमें इस तरीके का प्लानर वैसे मुझे चाहिए होता है कभी कभी लगता है कि मैं कस्टमाइज़ uh, कर लूँ अपने खुद का प्लानर बट देन ठीक है बट मुझे जो बेस्ट अभी तक मार्केट में लगा प्राइस वाइज भी मैंने ये अनडेटेड प्लानर uh, मंगवा लिया था मिड ईयर में उसी को मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी बिकॉज़ आप जब तक ये वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली जनवरी स्टार्ट हो चुका होगा सो आई गोइंग टू शेयर विथ यू कि मैंने कैसे अपने प्लानर को इस बार रेडी किया है और uh, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ सो येस विदाउट द डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो अनडेटेड प्लानर इज स्टिल अवेलेबल ऑन एमेजन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आप वो लिंक चेक कर लीजिएगा और अगर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी और सजेस्ट करूंगी कि हमेशा अनडेटेड प्लानर ही मंगवाना चाहिए बिकॉज उससे बेनिफिट ये होता है ना कि आप अगर आपको मार्च से प्लानर प्लानिंग स्टार्ट करनी है आपका किसी रीज़न से दो मंथ छूट गया है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मार्च आपको जून से स्टार्ट करना है आप जून से स्टार्ट करिए आपको ऑगस्ट से स्टार्ट करना है आपको अगस्त से स्टार्ट करिए किसी भी मंथ से आप प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो तो मुझे अनडेटेड वाला ज़्यादा सही लगता है सो या विदाउट फर्दर डू लेट जस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो करेंटली आई एम यूजिंग दीज थ्री थिंग्स ये जो डर्मा को की एक मास्टर क्लास की मेरे को नोटबुक आई थी जिसको मैं अपने फाइनेंस बुक में कन्वर्ट करूँगी ये एक uh, मेरे पास नोटबुक है सिंपल सी जिसमें मैं अपने नोट्स वगैरह लिखती हूँ एंड दिस इज़ द मेन प्लानर जो कि इंक बकेट का है जिसको मैं अभी करंटली यूज़ करने वाली हूँ तो आइए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं विजन बोर्ड बनाना तो विजन बोर्ड इस बार मैं अपने इसी प्लानर में ही बना रही हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें मैं इसमें स्टिक करने वाली हूँ तो यहाँ पर मैंने ऐसे प्रिंट आउट निकाल लिए हैं पिन से निकाल लीजिए गूगल पे आपको मिल जाएंगे आपको जो भी जिस तरीके का भी आपको विजन बोर्ड चाहिए उसके मैंने प्रिंट आउट्स निकाल लिया है मुझे ऐसे क्यूट प्रिंट्स वाले प्रिंट आउट्स काफी अच्छे लगते हैं इस तरह का विजन बोर्ड मुझे लगता है कि मेकोफ अच्छा लगता है मुझे देखने में अच्छा लगता है विजुअली अच्छा लगता है तो यहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी लगाए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लानर का विजन बोर्ड है काफी छोटा है तो जो मैंने प्रिंट आउट्स निकाले थे अब मैं उनको वन बाय वन स्टिक करना स्टार्ट कर रही हूँ अकॉर्डिंगली एंड स्टेपल करके मैंने जो एक्स्ट्रा पेजेस लगाए हैं उसके पीछे भी अब मेरे पास स्पेस है तो मेरे पास टोटल फोर टू फाइव पेजेस हो गए हैं विजन बोर्ड के लिए तो आई थिंक इट्स इनफ़ तो मैंने कुछ फ्रंट पेज पे भी स्टिकर्स लगा दिए हैं मतलब पे ये लगा दिया है कहीं कहीं के भी लगा दिए मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर रही हूँ जिस तरह के पिक्चर्स मुझे चाहिए होते हैं तो फ्रंट पेज पे मैंने यहाँ पर थोड़ा स्टे प्रोडक्टे और एक बंदी जो चिल मार रही है उस तरीके का पिक्चर लगाया है जो रिप्रजेंट कर रहा है कि शी इज़ जस्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन हर ओन लाइफ और नीचे एक कोट लगाया शी डिज़ाइन लाइफ शी लव्ड तो ताकि यू नो मेरे को सबसे पहले मेरी इस पर ही नजर जाए तो ये मैंने फ्रंट पेज लगा दिया है एंड उसके बाद आते हैं हम अंदर नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पर मैंने एक और आ, आ, वो लगाया है एंड वहां पर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली तो इसमें एक बंदी बैठी हुई है जो सन लाइट ले रही है और यहाँ पर मैंने अगर आप मतलब इनफैक्ट दो लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल एट होम हैप्पी स्पेस एंड सेल्फ मेड सेल्फ पेड ऐसे करके थोड़े मोटिवेशनल वो लगाए हैं एंड यहाँ पर मैंने पीसफुल माइंड ग्रेटफुल हार्ट लव इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट कुछ कुछ लिखा है अपने अकॉर्डिंग बहुत नीट नहीं लिखा है मैंने बहुत जल्दी जल्दी मैं पता नहीं क्या ही लिख रही थी यहाँ पर मैंने एक बहुत कलरफुल से होम का पिक्चर लगा दिया है जिसमें सारे कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है कलरफुल टाइप का और काफ़ी सारी ग्रीनरी है और नीचे लिखा है ऑर्गेनाइज बड़े बड़े उसमें की ताकि मैं यू you नो know, ऑर्गेनाइज रहूँ इसके अंदर मेरी नज़रें जाती रहे तो इस तरीके का मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ किया है अपने अकॉर्डिंग एंड विच आई एम लविंग इट ताकि मैं डेली डेली ये सारी चीज़ें देखूं नाउ 2021 में जो भी मेरे साथ हुआ है मतलब जनवरी से दिसंबर ऐसा एक मंथ नहीं गया है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ ना हुई हो जो मुझे याद ना हो बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं मैंने तो सिर्फ दो या तीन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी होंगी बहुत सारा ऑफ कैमरा है जो इसलिए मैं ये शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ ना बहुत चीज़ें हुई हैं यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करी हैं ताकि मुझे याद रहे उसके बाद आते हैं हम विजन बोर्ड पर तो यहाँ पर मैंने ऐसे छोटे छोटे कोट्स लिखे हुए हैं लाइक हैंग आउट विथ योर सोल आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ बाई माई सेल्फ ड्रिंक मोर वाटर दैन दिस इज़ माई ड्रीम हाउस लाइक ड्रीम हाउस इन द सेंस मीन इसमें जो भी कलर्स यूज़ हुए हैं ना ये सारे कलर्स मुझे मेरे घर में पसंद आते हैं एंड इट्स अ बैलेंस्ड हाउस उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन जूस मुझे एवरीडे पीना है सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज इन योर डेली रूटीन मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं सारे कोर्ट्स वो सब कोर्ट्स मैंने डाल करके रखे हैं ताकि मैं डेली देखती रहूँ इन कोर्ट्स को देन यहाँ पर भी एलिमिनेट इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइज हेल्प पीपल मेक योर सेल्फ प्रायरटी देन मुझे डांस भी अपना कंटिन्यू रखना है बिकॉज ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मैंने डांस को एकदम असाइड कर दिया था और मतलब ऐसे और इसके अंदर एक और पेज है जो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पर्सनल उसमें फ़ाइनेंस और एक और मेरा पर्सनल गोल है उसके बारे में मैंने लगा करके रखा है तो ये मेरा विजन बोर्ड है बेसिकली उसके बाद आते हैं लेट्स सेट गोल्स तो मैं जो वर्क गोल है और फाइनेंस गोल है उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं दैट्स वाई आई एम हाइडिंग दैट बाकी जो पर्सनल गोल है हेल्थ गोल्स हैं रिलेशनशिप गोल्स हैं सेल्फ केयर गोल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ बहुत बेसिक पर्सनल गोल्स मैंने रखे हुए हैं लाइक लेट्स हेल्प मोर यू you नो know, थोड़ा चिड़चिड़ कम करना है गिफ्ट कॉम्प्लीमेंट्स एन हक्स टू अदर लेस एंगर उसके बाद गो आउट ऑन सोलो डेट्स ऐसे बिल्कुल यू नो ट्राई टू सी मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इस तरह की चीज़ें मैंने बिल्कुल बेसिक रखी है एंड हेल्थ गोल भी मेरे बहुत सिंपल हैं जिसको मैं फॉलो एक्चुअली में कर पाऊँ तो उसके बाद आते हैं दूसरे साइड में तो यहाँ पर जो टॉप प्रायरटी है वो मैंने ऊपर मेंशन कर ही दिया है मैं एक एक पिक्चर लगा दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरी जो टॉप प्रायरटीज़ है उसमें मैंने क्या लिखा है और सर uh, so मेरी टॉप प्रायरिटी में और हैबिट्स टू तो अडॉप्ट मैंने यहाँ दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मुझे एक्जैक्टली करना क्या है ना उसके बाद हैबिट्स टू कट एंड न्यू स्किल्स मुझे क्या क्या करनी है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है थोड़ा यू you नो know, <clears throat> चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में भी करनी है और उसको कट करना है फिर डू मोर ऑफ डू लेस ऑफ़ वो सारी चीज़ें मैंने मैंशन करी है जैसे मुझे अपना स्क्रीन टाइम कम करना है नेगेटिव सेल्फ़ टॉक सेल्फ डाउट मुझे नहीं रखना है तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मैंशन कर ली है इस प्लानर में कहीं पे भी मूड ट्रैकर नहीं है तो ये जो ईयर एट ए ग्लैंड है इसको मैंने एज अ मूड ट्रैकर बना लिया है तो यहाँ पर कुछ कलर्स मैंने यूज़ करें जैसे हैप्पी अगर मैं होंगी तो इस कलर का स्केच पेन वहाँ पर मार्क करूंगी प्रोडक्टिव होंगी सैड होंगी सिक होंगी तो वो सब मैंने ऐसे कलर्स मैट वो कर दिए हैं तो जो भी डेट्स है मुझे जैसा भी फील हो रहा था वो मैं यहाँ पर फिल इन कर दूँगी उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पर मैंने एक इंस्टाग्राम ट्रैकर बनाया हुआ है ऊपर स्टिकर लगा करके आ, कुछ और चीज़ का था वो बर्थडेज़ का था तो बर्थडेज़ के लिए तो मैंने उसकी जगह पे इंस्टाग्राम ट्रैकर बना लिया और कुछ इसमें ऐसे स्टिकर्स दिए हुए हैं जो कि मैं यूज़ करूँगी मैं यूजुअली जो प्लानर के स्टिकर होते हैं वो बहुत लास्ट में यूज़ करती हूँ मेजरली uh, मैं अलग वाले स्टिकर्स ही यूज़ करती हूँ अब इसके बाद आते हैं एक नोट्स का पेज था तो यहाँ पर मैंने अपना एक लाइफ मैप बनाया है जिसमें होम हेल्थ फन फैमिली वर्क मनी को कैटेगराइज़ किया है और उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है वो कैटेगराइज कर दी हैं अलग से uh, कि किन पर ध्यान देना है और क्या करना है मुझे इस बार वो सारी चीज़ें उसके बाद आते हम मंथ में क्योंकि अनडेटेड प्लानर है तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डेट्स मैंशन कर दिए लाइक वन टू थ्री फोर कौन से दिन क्या पढ़ पढ़ रहा है और जो भी मैं करने वाली हूँ जैसे मुझे वन को पार्टी करनी है या टू को वेब सीरीज़ देखनी है उसके स्टिकर्स लगा दिए हैं थ्री को मुझे अपलोड करना है वीडियो कौन सा वीडियो लाइव जाएगा फ़ाइव को कौन सा वीडियो लाइव जाएगा देन सेवन को कौन सा वीडियो लाइव जाएगा वो लिख लिया है कुछ बर्थ डेट्स है वो मैंने मैंशन कर दिया है उसके बाद उसके बाद जो मंथली कोलैब्स होता है जिस मंथ किस किस ब्रांड के साथ मैंने कोलैब किया है वो मैं यहाँ पर नेम्स मेंशन करने वाली हूँ तो ऐसा मैंने लिखा है नाउ फॉर दिस मंथ अब आते हैं इंटेंशंस एंड एजेंडाज़ तो मेरा जो इंटेंशन और एजेंडा है वो है प्रॉपर शेड्यूल फॉर फिल्मिंग मुझे करना है उसके बाद जो मेरा एक और इंस्टाग्राम पेज है उसमें मुझे जो थोड़ा ध्यान देना है उसके बाद ट्रैकर में हैबिट में मुझे बहुत सिंपल हैबिट्स मैंने मैंशन करी लाइक योगा मेडिटेशन वेकअप एट दिस टाइम मॉर्निंग स्किन केयर नाइट स्किन केयर फेस एंड हेयर मास्क और यू नो टॉप थ्री प्रायटीज़ में अपना स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो करना है डेली मुझे प्लानर फिल करना है उसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मंथ मैंने आप एक स्टिकर लगाया है मैं अपने जो इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं उनको थोड़ा एक रीच पे देखना चाहती हूँ और मेरे बर्थडे बर्थडे मंथ है ये वाला तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई बर्थडे एज़ वेल उसके बाद नोट्स एंड डूडल्स मैंने एक थोड़ा सा कोटेशन लिखा है नाउ जो ट्रैकर है एक्सपेंस ट्रैकर वो मुझे बहुत छोटा लगा है एक वीक के अकॉर्डिंग भी आ, या मंथ के अकॉर्डिंग तो इसको मैं एज अ ट्रैकर यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैं फाइनेंस शल जो मेरा ट्रैकर रहने वाला है फिनेंस का वो अलग बना बनाऊँगी एंड uh, उसके बाद यहाँ पर ये जैसे सैटरडे को मुझे क्या क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है एक वाटर का सेक्शन बनाया मैंने खुद से ही डी करके कि uh, मुझे ताकि मैं पानी भी अपना ट्रैक कर सकूँ तो मैंने ये मैंशन कर लिया है नाउ दीज आर माय स्टिकर्स जिनको मैं यूज़ करती हूँ बहुत ही अमेजिंग स्टिकर्स हैं थोड़े से एक्सपेंसिव हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी बट क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छे हैं आपको बड़ा मज़ा आएगा आप थोड़े ऐसे फ़न एंड क्रिएटिव वे में अगर आप प्लानर को इन करेंगे ना तो आपको प्लानर भरने में भी मज़ा आता है आपको उसको अच्छे से कलरफुल रखेंगे तो यू you नो know, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे लिए एक बहुत ही थेरापेटिक प्रोसेस होता है प्लानर को फ़िल करने का उसके बाद कुछ और पुराने प्लानर के स्टिकर्स बच गए थे तो मैंने वो भी रखे हुए हैं नाउ कमिंग टू दिस फाइनेंस बजट प्लानर जो कि मैंने डी किया है कम्प्लीटली क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन प्लानर्स देखे बजट वाले बट मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने सोचा मैं खुद ही डी कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने काम के अकॉर्डिंग पूरा बना करके रखा हुआ है कि मुझे पेमेंट अमाउंट ब्रांड को लैब डिलीवरी डेट इन्वॉइस स्टेटस पेमेंट स्टेटस वाई टी इनकम अफिलियट इनकम जो भी मेरा सब कुछ आता है ना वो मेरे को पता होना चाहिए हर मंथ का मैं ट्रैक करने वाली हूँ लाइक इनकम वाई बोनस इन्वेस्टमेंट टोटल मेरी सेविंग्स कितना है टोटल स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट क्लोथ केयर फूड फ्रूट्स वेजीज इनमें मैंने कितना स्पेंड किया है फिर कितना मेरे पास मंथली एक्सपेंस आ रहा है लाइक मेरा मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है तो मैं यूजुअली हर ईयर एंड में सारा जितने भी मंथली मेरा ये क्रेडिट एंड डेबिट वो होता है वो ट्रैक करती हूँ बट कितनी बार ऐसा होता है कि आप ईयर एंड में ना भूल जाते हो कि अरे ये हमारा कहाँ से क्रेडिट या डेबिट हुआ है नहीं समझ में आता है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से ही मैं विथ नोट्स और सब कुछ डिटेल्स रखूँ तो इस तरीके से मैं दो प्लानर्स यूज़ करने वाली हूँ फाइनेंस का अलग और पर्सनल प्लानर और वर्क प्लानर मेरा अलग रहने वाला है सो ये दैट्स इट फॉर माई वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया दें डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो एंड अगर आपको लगा कि ये काफ़ी यूज़फुल था आपके लिए तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय